मैं आज निकलने से पहले ना एक तिल का लड्डू खाकर आया, क्योंकि मेरी बीवी ने मेरे सामने रख दिया कि लीजिए लड्डू खाइए, और मैंने खा भी लिया। लेकिन खाने के साथ ही मुझे पता चला कि ये अपने हाथ से बना हुआ नहीं है, ये रेडीमेड है। क्योंकि जब अपने आप अपने खुद हाथों से जब बनाते हैं तिल के लड्डू, तो उसका स्वाद कुछ और ही होता है। आप बनाना चाहते हैं तिल के लड्डू? क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है, तो देखिए हमारे राजा की रानी आपको बताएगी कि कैसे बनते हैं तिल के लड्डू। संक्रांत राजा और रानी के जिंदगी में नया शुभारंभ करेगी, उनकी प्यार की गाड़ी को एक नई राह दिखाएगी। लेकिन ये संक्रांति राजा और रानी को एक साथ ले आएगी। अब देखे ना कैसे राजा रानी एक साथ पतंग उड़ा रहे हैं, नाच गाकर मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे हैं, और साथ ही साथ अपने हाथों से लड्डू बनाकर एक दूसरे का मुंह भी मीठा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि संक्रांत आने से अच्छे दिनों का शुभारंभ होता है, और आज सास बहुर साजिश मुझसे करवा रहा है थोड़ी सी मेहनत। यानी कि संक्रांत में जैसे कि हम सब जानते हैं कि तिल गुल के लड्डू बनाए जाते हैं। अब क्या है ना, रेडीमेड लड्डू खाना थोड़ा सा बोरिंग हो गया है, तो आज मैं आप सबके सामने बनाऊंगी तिल गुल के लड्डू। पहली बार हमेशा मम्मी को बस बनाते हुए देखा है। सामान यहाँ पर है तिल, सबसे पहले तो तिल है, यहाँ पर गुड़ है जो कि मैं आधा खा चुकी हूँ, एंड यहाँ पे है घी। सो सबसे पहले तो मैं तिल को रोस्ट करूँगी, और आगे का प्रोसीजर तो आप देखते जाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं तिल थोड़े से वाइट से थोड़े से ऑफ वाइटिश और ब्राउनिश होने वाले हैं, फूट रहे हैं वो। सो आई गेस इसके बाद हमें डालना है घी एंड गुड़, एंड उसके बाद हम तिल को फिर से मिक्स करेंगे और हमारा तिल का जो मिश्रण है वो रेडी हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने घी में डाला गुड़ और वो काफ़ी अच्छी तरह से गल गया है। अब इसके अंदर हम तिल डालेंगे, एंड जब थोड़ा सा हल्का सा जब वॉर्म थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो हम लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। सो आई गेस गुड़ बिल्कुल अच्छी तरह से घुल गया है, एंड मैं पहली बार बना रही हूँ, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो आपने देखा, ये है तिल, गुड़ और घी का जो मिश्रण है वो पूरा मैंने यहाँ पे, ये ठंडा नहीं हुआ है, बट अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। जितना कहते हैं कि जितना गर्म होता है और उसमें आप लड्डू बनाते हैं उतना ही वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है और ज़्यादा कड़क नहीं बनता है, एंड यूजुअली वो सॉफ्ट ज़्यादा अच्छे टेस्टी लगते हैं।
Yes. तो मेरी धर्म पत्नी ने क्या बनाया? धर्म पत्नी एंड ऑल, ओह माय गॉड, यस। मैंने मैंने पूरा रेसिपी बना दी है। अब जो मेन टास्क है वो मैं करना है, क्योंकि ये गर्म है और इसके लड्डू बनाने हैं। तो मैंने सोचा राजा है तो टेंशन क्या है, राजा तो राजा के चले। अरे मैं कर रही हूँ ना तुम्हें हेल्प करने में, क्या है मीठा मिला या नहीं मिला? ऑफ कोर्स मिला है। कहाँ है मीठा? मैंने लाइफ में पहली बार तिल के लड्डू बनाए हैं खुद, रेसिपी पूरी तैयार करके, और बहुत मेरे हाथ बहुत कांप रहे हैं, बट ये मेरी मेहनत के लड्डू। बहुत मज़ा आया। खैर, हम दोनों ने साथ मिलकर पतंगबाजी की, और बॉम्बे में जनरली मैंने तो ज़्यादा पतंगें नहीं उड़ाई हैं, तो हमें सेट पर उड़ाने का मौका मिला, विच वॉज़ इवन अ ट्रीट। सो आई गेस अक्षित मतलब राजा पतंग उड़ा रहा था और मैं तो फिरकी दे रही थी, दैट वाज फन। सो ये है मेरे मेहनत के तिल गुड़ के लड्डू। सो हम दोनों की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति आणि तिल गुड़ गया आणि गोड़ गोड़ बोला। से आरती गुप्ता पांडे की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।